हेलो, गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट्स ऑफ विवेकानंद पब्लिक स्कूल. दिस इज विवेक सर एंड मैनी स्टूडेंट्स आर स्टिल रिमेनिंग फॉर द सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर्म. काइंडली कम इन स्कूल एंड सेलेक्ट योर सब्जेक्ट. आज मैं आपको फिजिक्स का जो भी स्टूडेंट्स साइंस मैथमेटिक्स या साइंस बायोलॉजी सब्जेक्ट लेने वाले हैं उनको एक फिजिक्स का मैं इंट्रोडक्शन वाला आज एक क्लास ले रहा हूँ. आपको एक बार इंट्रोड्यूस कर देंगे फिजिक्स में क्या क्या होता है. ठीक है, तो उसके लिए आपका फिजिक्स की जो बुक है उसमें जो चैप्टर्स हैं उनके नाम मैं पहले से बता रहा हूँ आपको. सबसे पहले इसमें आ रहा है फिजिकल वर्ल्ड. फिजिकल वर्ल्ड के बाद आता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स वाला चैप्टर. उसके बाद मोशन इन स्ट्रेट लाइन. उसके बाद मोशन इन ए प्लेन. मोशन इन ए प्लेन के बाद आता है आपका लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर. इसके बाद सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन. उसके बाद जो चैप्टर्स के नाम है वो है ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन के बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स. उसके बाद थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मल थर्मोडायनामिक्स. थर्मोडायनामिक्स के बाद आता है आपका काइनेटिक थ्योरी. काइनेटिक थ्योरी के बाद आता है आपका ऑसिलेशंस. ऑसिलेशंस के बाद वेव्स. इस तरह से चैप्टर्स हैं. तो आज सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर की हम बात कर लेते हैं. आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड. और ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए है. ठीक है, क्योंकि आपको हर चीज को मैं हिंदी में भी ट्रांसलेट करके बता दूंगा. तो इसमें आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका फिजिकल वर्ल्ड. यानी कि वी हैव टू गेट इंट्रोड्यूस्ड विद फिजिकल वर्ल्ड. यानी कि हमारे आसपास जो भी चीजें घट रही हैं, जो भी चीजें हो रही हैं, वो किसकी वजह से हैं, ये हमें फिजिक्स में पढ़ना है. फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, उन्हें नापा या तोला कैसे जाता है, उनकी क्या यूनिट होती है, उनकी यूनिट में आपस में क्या संबंध होता है, फिजिकल फॉर्मूला क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में आपको पढ़ना है. तो फिजिकल वर्ल्ड में ये वीडियो आपके लिए प्ले कर रहा हूँ. आपको इसको सुनना है और समझना है अच्छे से. ये हमारे विवेकानंद पब्लिक स्कूल में बहुत अच्छा एक डिजिटल वीडियो क्लासरूम 11th 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए लगा हुआ है. तो हम इसे प्ले कर रहे हैं, आप देखिए. इन दिस मॉड्यूल यू विल लर्न व्हाट फिजिक्स इज एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन आवर डेली लाइफ. इस मॉड्यूल में आप ये पढ़ोगे कि फिजिक्स क्या है. इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना इन टर्म्स ऑफ बेसिक लॉज एंड फिजिकल क्वांटिटीज. द वर्ड फिजिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फ्यूसिस मीनिंग नेचर और अ पार्ट ऑफ द मैन. ठीक है, फिजिक्स वर्ड जो है, फिजिक्स या जो वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से मिलकर के बना हुआ है. ठीक है, ये साइंस है. साइंस में नेचुरल साइंस, फिजिकल साइंस, बोटनी, जूलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री ये पार्ट होते हैं. तो मैंने आपको कहा ना, साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो बायो है या मैथ्स है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नेचुरल साइंस यानी कि प्राकृतिक विज्ञान, फिजिकल साइंस यानी कि भौतिक विज्ञान, उसके बाद बोटनी, जीव विज्ञान, जूलॉजी. ठीक है, ये सब चीजें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब चीजें इसके अंदर आती है. भौतिक विज्ञान और केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान. ठीक है, टू एनवायरनमेंट. द स्कोप ऑफ फिजिक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर डोमेन्स दैट आर मैक्रोस्कोपिक. और फिजिक्स को दो पार्ट्स में बांटा गया है मेनली, मैक्रोस्कोपिक डोमेन और माइक्रोस्कोपिक डोमेन. एंड माइक्रोस्कोपिक. The macroscopic domain deals with phenomena at laboratory, realistic, terrestrial, and astronomical scale. ये चार पार्ट्स में इसको बांटा गया है, laboratory, realistic. Whereas the microscopic domain deals with molecular, atomic, and nuclear phenomena. जबकि microscopic, molecular, atomic और इसमें तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है. Macroscopic phenomena under classical physics that includes mechanics, electrodynamics, optics, and thermodynamics. ये four parts हैं classical physics के. In physics,
attempt to explain various physics. और फिजिक्स में मेनली बात होती है कंसेप्ट्स एंड लॉज की, यानी कि कंसेप्ट क्या है, यानी कि तर्क क्या है, और लॉज यानी कि नियम क्या क्या है. तो ये फिजिक्स के लिए मेनली इंपॉर्टेंट चीजें हैं. फिनोमेना इन टर्म्स ऑफ व्यू कॉन्सेप्ट्स एंड लॉज. वी सी द फिजिकल वर्ल्ड एज मैनिफेस्टेशन ऑफ सम यूनिवर्सल लॉज इन डिफरेंट डोमेन्स एंड विद द रिक्वायर्ड कंडीशंस एप्लीकेबल. As for the context, for example, the law of gravitation. गुरुत्वाकर्षण का नियम आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है. न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था. Law of gravitation given by Newton, which describes the motion of an apple detached from a tree, which eventually falls to the earth. Also explains the nature of the forces between Earth and the Moon. These contributions. ये कुछ laws की बात चल रही है. Physicist contribution और country of origin. यानी कि Archimedes ने Buoyancy levers का contribution दिया था. Greece का था ये. गैलीलियो ने लॉ ऑफ इनर्शिया दिया था. इटली के थे ये. क्रिश्चियन ह्यूजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट को देने वाले थे. हॉलैंड के थे. इसाक न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन के थे. ये यूके के थे रहने वाले. रुडोल्फ हर्ट्ज एच रुडोल्फ हर्ट्ज ये जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जर्मनी के थे. जेसी बोस इन्होंने अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव्स का नियम दिया था. इंडिया के थे. मारी एस क्यूरी ये रेडियम और पोलोनियम को डिस्कवर करने वाले थे. पोलैंड के थे. सी वी रमन इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल्स ये इंडिया से थे. और उसके बाद अब्दुस सलाम ये यूनिफिकेशन ऑफ वीक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस पाकिस्तान से थे. दीज कंट्रीब्यूशंस केम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. Is the force of mutual attraction. These contributions came through observations, experimentation, or analysis of natural phenomena and the rules or laws that govern such phenomena. These gave us the knowledge of fundamental forces in nature. फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर के बारे में पढ़ते हैं. देयर आर फोर फंडामेंटल फोर्सेज. सबसे पहली है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. ये चार सबसे बेसिक, सबसे आधारभूत, सबसे फंडामेंटल बल है जो प्रकृति में पाए जाते हैं. सबसे पहला मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स विद्युत आकर्षण बल जो होता है या विद्युत चुंबकीय बल, ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्स कम यानी कि कमजोर नाभिकीय बल और मजबूत नाभिकीय बल, ठीक है, इनके बारे में आपको पढ़ना. नेचर एंड ऑल अदर फोर्सेस वी नो आर डिराइव्ड फ्रॉम दीज फोर्सेस. दीज फंडामेंटल फोर्सेस आर ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, weak nuclear force, weak nuclear force and strong nuclear force or strong nuclear force. The gravitational force is the force of mutual attraction between any two objects by the ab ye aapko force two of their masses. It is a universal force meaning all objects in the universe exert a gravitational universal force yani ki sab jagah paya jata hai. Able to stand or walk due to Earth's gravitational force exerted. चल पाते हैं और दौड़ पाते हैं सिर्फ इस अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, यानी कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से. On us by the Earth. Electromagnetic force.
फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये भी हमारे चारों तरफ अवेलेबल है, जो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है उससे रिलेटेड है ये. पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, इसी से रिलेटेड. द फोर्स बिटवीन टू चार्ज्ड पार्टिकल्स, दो चार्ज पार्टिकल्स या दो आवेशित कणों के बीच में लगने वाला बल. लाइक चार्ज्ड पार्टिकल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज्ड पार्टिकल्स, लाइक चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और अनलाइक चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि धनावेश ऋणावेश को आकर्षित करेगा और धनावेश धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा. पॉजिटिव चार्ज के पास नेगेटिव चार्ज लाएंगे तो अट्रैक्ट होगा और पॉजिटिव चार्ज के पास पॉजिटिव चार्ज को लाएंगे तो डिस्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि लाइक चार्जेस ऑलवेज डिस्ट्रैक्ट ईच अदर, जैसे कि इन्होंने डिस्ट्रैक्ट किया, इन्होंने डिस्ट्रैक्ट किया, और जो अनलाइक चार्ज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज भी यूनिवर्सल होती हैं. We do not usually encounter this force on Earth, as most of the matter around us is electrically neutral. Hence, of the two forces, gravitational forces dominate all terrestrial. Gravitational force डोमिनेट करता है सारे टेरेस्ट्रियल फिनोमेना को, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो सभी जगह विद्यमान है, वो सभी जितने भी क्षेत्र हैं सभी क्षेत्रों में वो सबको प्रभावित करता है. An atom consists of three subatomic particles, namely electron, proton. इनके बारे में भी आपने पहले पढ़ा है सभी स्टूडेंट्स ने, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड होता है यानी कि ऋणात्मक होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है यानी कि धनात्मक होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है या फिर उदासीन होता है, उसे हम उदासीन भी बोलते हैं. The force that binds protons and neutrons is the strong nuclear force. और जो फोर्स या जो बल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को आपस में जोड़ के रखता है या बांध के रखता है उसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं, यानी कि मजबूत या ताकतवर नाभिकीय बल. वीक न्यूक्लियर फोर्स कम्स इनटू एग्जिस्टेंस इन केस ऑफ बीटा डीके ऑफ अ न्यूक्लियस. इन बीटा डीके, ये भी आपने पढ़ा होगा, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन भी आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं आज, सिर्फ बेसिक जानकारी आपको दे रहे हैं. The nucleus emits an... आप ये वीडियो देखने के बाद आपकी फिजिक्स की बुक उठाएं और बुक उठा करके फर्स्ट चैप्टर की एक बार रीडिंग लगाएं. इलेक्ट्रॉन एंड एन अनचार्ज्ड पार्टिकल कॉल्ड न्यूट्रिनो. The table shows the relative strength and range of all the four. अब ये रेंज और स्ट्रेंथ बताई जा रही है. ग्रेविटेशनल फोर्स 10^-39 रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है, रेंज इसकी इनफाइनाइट है, ऑपरेट्स अमॉन्ग ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स, ये यूनिवर्स के सभी ऑब्जेक्ट्स पे वर्क करता है. वीक न्यूक्लियर फोर्स की रेंज 10^-15 रिलेटिव स्ट्रेंथ है, बहुत शॉर्ट रेंज होती है और सब न्यूक्लियर साइज 10^-13 होती है. सम एलिमेंट्री पार्टिकल्स स्पेशली इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में बताया गया है कि ये इनफाइनाइट रेंज होती है और चार्ज पार्टिकल्स पे ही वर्क करता है. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ 1 होती है, शॉर्ट न्यूक्लियर साइज होता है ये 10^-15 मीटर का, न्यूक्लियॉन्स और हेवियर एलिमेंट्री पार्टिकल्स पे ये वर्क करता है. फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर अपार्ट फ्रॉम फिजिकल लॉज, अब ये बहुत जरूरी चीज है, फिजिकल लॉज कैसे बनते हैं, यानी कि भौतिकीय नियम. साइंटिफिक जनरलाइजेशन बेस्ड ऑन फिजिसिस्ट ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो भी साइंटिफिक जनरलाइजेशन हैं, जो किसी भी फिजिसिस्ट या किसी भी भौतिक विज्ञानी के ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स पर आधारित होती हैं, उन्हें लॉज या एम्पिरिकल रिलेशनशिप की फॉर्म में बताया जाता है, प्रतिपादित किया जाता है या फिर मैथमेटिकल फॉर्मूला उसका दिया जाता है. Finding the facts through observation and experiments, physicists always
always try to summarize these facts as laws or empirical relations in form of mathematical equations. These are known as physical laws. So conserved quantities, the quantities that remain unchanged during a फिजिकल प्रोसेस, ये कंजर्व्ड क्वांटिटीज होती हैं जो किसी भी फिजिकल प्रोसेस में संरक्षित रहती हैं या चेंज नहीं होती, जिनकी वैल्यू उतनी ही रहती है, उन्हें कंजर्व्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। लॉज बेस्ड ऑन कंजर्व्ड क्वांटिटीज, अब कंजर्व्ड क्वांटिटीज यानी कि संरक्षित राशियों पे आधारित नियम कौन कौन से हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन यानी कि ऊर्जा संरक्षण का नियम, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन का नियम, एंगुलर मोमेंटम यानी ये लीनियर यानी कि रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, चार्ज यानी कि आवेश, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पेरिटी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पेरिटी भी इस पे आधारित नियम है। मोस्ट ऑफ दीस लॉज आर बेस्ड ऑन सम स्पेशल क्वांटिटीज दैट रिमेन अनचेंज्ड इन अ प्रोसेस व्हिच आर नोन एज कंजर्व्ड क्वांटिटीज। सम ऑफ द जनरल कंजर्वेशन लॉज इन नेचर include the laws of conservation of mass, energy, Let's recap में हम देखेंगे। Physics is the branch of science that deals with the study of natural phenomena in terms of basic laws and physical quantity। ये physics की definition हो गई आपकी first line में। The scope of physics can be divided into two major domains, that are macroscopic and microscopic। उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। उसके बाद the macroscopic domain deals with phenomena at laboratory, realistic, terrestrial। ये इसके fields बता रखे हैं। Reductionism is an approach to derive the properties of bigger or more complex from the properties of interaction of simpler parts of the constituents of the system। Reductionism ये होता है कि रिड्यूस करना, किसी भी चीज को कम करना या छोटे हिस्सों में बांटना। This module, you learned that। तो आज के लिए आपको काफी है फिजिक्स की क्लास, आपका फर्स्ट लेक्चर। मेरा नाम विवेक सर है और फिजिक्स में आपको ये चीजें अभी पढ़ाई जाएंगी। आज आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि फिजिक्स की बुक जरूर उठा करके देखें और उसमें आज आपने क्या सीखा, उसके बाद इस चैप्टर में फिजिकल क्वांटिटीज, उनके यूनिट्स, उनकी फॉर्मूलाज, मास, लेंथ एंड टाइम, उनके बारे में पढ़ेंगे और उनको फॉर्मूलाज को कैसे डिराइव करते हैं, डायमेंशंस कैसे बनाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, चाहे वो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स हों, चाहे वो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हों। ओके गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।